भोजपुर ओपी क्षेत्र के पुराना भोजपुर में शॉर्ट सर्किट से एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझा पाना काफी मुश्किल था। आग मोटर पार्ट दुकान के साथ ही पूरे मकान में तेजी से फैल गई। मकान में आग और धुआं के बहुत तेज गुब्बार निकलने से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे कर घर के अंदर फंसे लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। आग पर काबू पाने में 3 दमकल को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की तत्परता और समय पर दमकल वाहन के पहुंच जाने से आसपास के घर और दुकान में आग नहीं पकड़ पाए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वो आग लगला, वो आकाश बाहर निकल गए और वो चाहे तो बचा ली, लेकिन कैसे वो बचो? वो तो अपन जीवन बचेबा थी, वो आग कर वो अपन बाज के भागला। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग कम से कम 50 लाख रुपया के उनका नुकसान है। क्या नाम है आपका? 50 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हमारा सुमन कुमार गुप्ता। वहीं दुकानदार दिनेश शाह का कहना है कि इस घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों दुकान लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 35 लाख का हुआ। क्या नाम है आपका? दिनेश शाह। वहीं मकान मालिक कन्हैया प्रसाद ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, अचानक पूरी दुकान में धुआं भर गया। इस हादसे में उनके हाथ और चेहरा भी झुलस गया। मैंने बैटरी ऊपर था और उसको शॉर्ट सर्किट से पकड़ लिया आग, जिसके चलते पूरे घर में फैल गया आग और धुआं वगैरह से भर गया। हम लोग किसी तरह से अपना जान बचाने में समर्थ हुए। हमारा भी देखिए जल गया है, चेहरा भी झुलस गया है। इसमें लगभग कितने का संपत्ति आपका जला है? अरे लाखों की संपत्ति जल गई है, मोटा मोटी 20 लाख के अबाउट करिए। अच्छा, मकान मालिक काफी हैं जी? पूरा नाम बताइए। कन्हैया प्रसाद। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के आने से आग पर काबू पाया गया, मगर सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना पर पहुंची नया भोजपुर ओपी की पुलिस भी स्थिति को नियंत्रण की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।